जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आज का मोटिवेशन उनके लिए है। तो जो बीत गया, यही कहना है मेरा, जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए, जो बीत गया, जो हो गया उस पर बात मत कीजिए, और जो वक्त बच गया है अब उसे बर्बाद मत कीजिए। जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए, अब जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। बर्बाद इन द सेंस कैसे, क्या एग्जाम आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आईपीएस का कैलेंडर आएगा, जो चीज जिस समय आनी है आपके कहने या ना कहने से आईबीपीएस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके 15-20 दिन पहले ये पूछने से कि एसबीआई का रिजल्ट कब आएगा उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कल एग्जाम का रिजल्ट आया था, आज आपका ये भी आ गया मेंस का कि कब होना है। तो आप अपना काम करते रहिए जिस गति से आप सिलेक्शन चाहते हैं। बाकी जो आपके बस में नहीं है उनको छोड़ दीजिए। जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है उनके बारे में परेशान होकर कोई फायदा नहीं है, सही है? जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है उनके बारे में परेशान होने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाओ। हम पढ़ सकते हैं इस समय, जब भी एग्जाम आएगा एसबीआई क्लर्क मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं आएगा तो कोई और आएगा एलआईसी, वो भी नहीं आएगा तो एनआईसीएल आएगा, वरना कोई और आएगा, वरना वापस आरआरबीपीओ आएगा, आरआरबी क्लर्क आएगा, आईबीपीएसपीओ, आईबीपीएस क्लर्क आएगा। जब भी आपके पास एग्जाम आएगा आप उसी को हिट कर सकते हैं, उसी को टारगेट कर सकते हैं। बिना फजूल के समय बर्बाद करने में कुछ नहीं रखा है, ठीक है? ऑल दी वेरी बेस्ट, कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपकी सफलता में थोड़ा बहुत योगदान दे पाऊं, ठीक है? समझ रहे हो? शायद मेरा तो यही कहना होगा आपसे कि इसको ना गांठ बांध कर रख लें, इस वाले मोटिवेशन को अपने पास रख लीजिए, जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए, सही जगह लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं।